हैप्पी दिवाली जी। हैप्पी दिवाली। सो इस बारी गुलीन ने मुझे पूछा कि हम बच्चों को गिफ्ट में क्या दें, और मैंने कहा तुमसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। सो क्या होना चाहिए बच्चों को गिफ्ट, बिकॉज चक्कर क्या है, दिवाली इज रिलेटेड विद लक्ष्मी जी, दिवाली इज रिलेटेड विद फाइनेंस, दिवाली इज रिलेटेड विद गिफ्ट, दिवाली इज रिलेटेड विद लॉट्स ऑफ वेल्थ। सो गुरलीन से ही बेस्ट पूछते हैं कि बच्चों को क्या गिफ्ट देना चाहिए। गुरलीन, सो हमने जो अपना पर्सनल हम बताते हैं जो हमने दिया बच्चों को इस बार गिफ्ट में, हमने बच्चों को बैठाया और हमने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स की फाइल, जो भी आज तक हमने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, सारी कंसोलिडेटेड जो हमारी एक जगह पूंजी है, वो हमने बच्चों के साथ शेयर करी। सो लेट मी टेल यू, गुरलीन इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन दिस हाउस, एंड ऑब्वियसली नॉट ओनली हमारे घर की अपना फाइनेंशियल लाइफ इन्होंने सवारी है, इन्होंने लगभग 1000 लोगों की फाइनेंशियल लाइफ भी सवारी है, एंड यू नो गिवन देम टिप्स हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर फाइनेंशियल लाइफ, इंक्लूडिंग पेपर्स कैसे संभालने हैं। सो ऑब्वियसली इनके जो पेपर्स होंगे दे आर इंपेकेबल। सो हम उनके साथ बैठे, हमने उनका पूरा अपना फाइल दिखाई, एंड उसके बहुत सारे, एक तो गिफ्ट का गिफ्ट भी है एंड बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, मतलब ये चीज गिफ्ट करने के वो बेनिफिट्स पता ही है। मेरे को गुलीन ने ऑलरेडी बता दिया कि पांच पॉइंट्स हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट गुलीन विल बी, सो फर्स्ट पॉइंट इज बच्चों को नॉलेज मिलती है एंड उनको पता लगता है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं। जैसे बच्चों के वापस काउंटर क्वेश्चंस आए, बच्चों ने आगे क्वेश्चन पूछे, सब कुछ मेरी पॉलिसीज 15 साल पुरानी चल रही है, तो बच्चों ने पूछा ये क्यों कराई, और एक्चुअली हमने सब इसलिए कराई थी बिकॉज देयर वाज सम रिलेटिव और सम यू नो बिजनेस एस्टेट, उसको हमको अपना ओब्लाइज करना इसलिए करा ली। एंड व्हेन किड्स आस्क्ड अस कि पापा ये क्यों कराई, हमने उनको बोल तो दिया, बट इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वी न्यू कि दिस इज नॉट लॉजिक, हम पैसे की बात कर रहे हैं, हम किसी को 2 रुपए देने की बात नहीं कर रहे, वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड आवर किड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इट ऑल्सो टॉट अस नॉट टू टेक डिसीजंस जस्ट बेस्ड ऑन रिलेशन, दैट शुड बी अ प्रॉपर डिसीजन बिकॉज your life and your kids' life are also dependent on it. Absolutely, right? It's entirely your responsibility to you know cover your life so that kids are safe and secure. सही, दूसरा point. दूसरा point ये है कि जैसे काफी uncertainty होती है life में, तो उसके लिए kids should be prepared and they should know. कहते हैं कि समान 100 बरस का पल की खबर नहीं, तो आपको कल का नहीं पता. Only thing that we can do is prepare ourselves because हम भी उससे अपना शांत मन से रह सके, peace of mind रहे. वो जो hard earned money है वो properly beneficiaries तक पहुंचे, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या क्या, व्हाट आर वी एक्चुअली यू नो, हम विल में किसको हम बेनिफिशियरी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने एसेट्स। सो आई विल टेक दिस, इफ यू हैव नॉट मेड योर विल राइट नाउ एंड इफ यू थिंक आप सो कल बनाएंगे, तो प्लीज कल नहीं कीजिएगा, आज कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? सो बच्चों को पता लगता है कि पैसे की वैल्यू क्या है, दे गेट टू नो, दे गेट टू लर्न व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी। सो दैट इज, देखो बच्चों को ना, चाहे आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, वट एवर बी द केस राइट नाउ टुडे, ऑब्वियसली यू नो वी ऑल थिंक कि कल आने वाला टाइम ज्यादा होगा, लेकिन आपके आई रिपीट 2 रुपए हो या 200 करोड़ हो, चिल्ड्रन शुड नो इट्स वैल्यू, बिकॉज जब उनको वैल्यू पता होगा वो कमाएंगे भी उस हिसाब से और खर्चेंगे भी उस हिसाब से, दोनों बहुत जरूरी है। सो एंड यस, यू नो कई लोग कहेंगे कि नहीं बच्चों को पता लग जाएगा तो यू नो बच्चों की नजरों में सब कुछ आ जाएगा, इट्स ऑल ऑन यू हाउ यू डिपेंड, एंड आई थिंक यू नो ईच वन ऑफ यू आर अ ग्रेट पेरेंट एंड आप मैनेज कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है। नेक्स्ट इज, कई बार ऐसा भी होता है जैसे हमने कल, जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि हरगुन आस्क्ड सम क्वेश्चन कि ये पॉलिसी आपने क्यों ली, मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, so they also start contributing to your financial life, तो वो भी एक आपकी financial life का हिस्सा बन जाते हैं। देखो believe me, आज की date में ना बच्चों को तो सच कहूँ तो पता भी नहीं होता कि bank कैसे चलता है, and tomorrow तो भैया उन्हीं को संभालना है, मतलब let's accept the fact that tomorrow you know when they grow up they should know that how you know money is deposited, obviously things will change, पहले हम लाइनों में खड़े होके पैसा जमा कराते हैं, लाइनों में खड़े निकालते हैं, ATM से होता है, ट्रांसफर हो जाता है, बट times will change tomorrow, but जो basic concepts of banking है they remain the same, the debit and credit will never change. बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट करा, तो वो दैट इज व्हाट मैटर्स टू अस, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप कुछ और क्यों नहीं लाए हमारे लिए गिफ्ट, ये गिफ्ट दे रियली अप्रिशिएटेड इट, यू नो ट्रीट योर kids as your friends and let them know what you have done to achieve it. So I think kahani sari ye hai ki whatever we are doing right now, hum apne future ke liye kar rahe hain. Whenever you think of future, we think of our kids and we think of our budapa. So on this note, we would like to wish you a very happy Diwali. And बिल्कुल, और अपना ध्यान रखिएगा, and believe me, जो आप gift देना चाहते हैं अपने बच्चों को जरूर दीजिएगा. This becomes an additional gift. And stay safe, take care, and
हैव अ ग्रेट दिवाली। बिल्कुल बिल्कुल, खुशियों भरी दिवाली हो आपकी, और लक्ष्मी माँ आपके घर आए और अपना आपको बहुत सारा धन दे और आपको बहुत सारी शक्ति दे धन और कमाने की, और उस धन को सही जगह पे रखने की, एंड उस धन को हरी पत्ती पे लाके इन्वेस्ट करने की। लो प्लग कर दिया मैंने हरी पत्ती को, मुझे 5 रुपए मिलेंगे। सी यू डाडा, बाय बाय।